सर एक दे दीजिए बाइट सर, अरे बाद में बाइट सर, पटना से आप आ गए सर, जो चल रहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई आपकी। कहा जा रहा है कि अब संबंध बहुत खराब हो गया, मतलब आपको मेरे सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं आपसे भी हैं तो सर, लेकिन राज्यसभा के लिए सर, मुख्यमंत्री के लिए बचे हुए हैं सर, मुख्यमंत्री से वही संबंध बचे हुए हैं सर, मुख्यमंत्री से अभी भी। आप ऐसा है ना, मेरे सबसे बड़े अच्छे संबंध नहीं सर, जेडीयू से कह रहे हैं इस्तीफा देंगे आपको, ट्विटर हैंडल से हट गया आपका। सर एक दे दीजिए बाइट सर, अरे बाद में बाइट सर, पटना से आप आ गए सर, जो चल रहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई आपकी। कहा जा रहा है कि अब संबंध बहुत खराब हो गया, मतलब आपको मेरे सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं आपसे भी हैं तो सर, लेकिन राज्यसभा के लिए सर, मुख्यमंत्री के लिए बचे हुए हैं सर, मुख्यमंत्री से वही संबंध बचे हुए हैं सर, मुख्यमंत्री से अभी भी। आप ऐसा है ना, मेरे सबसे बड़े अच्छे संबंध नहीं सर, जेडीयू से कह रहे हैं इस्तीफा देंगे आपको, ट्विटर हैंडल से हट गया आपका। चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, 5 सीटों के लिए चुनाव होना है, 2 सीट जनता दल यू को मिलेगी। काटो राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, आज से नामांकन का दौर भी शुरू हो जाएगा। 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, 2 सीट राजद को, 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट जेडीयू को मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल राजनीतिक हलकों में तैर रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह चाहेंगे राज्यसभा या नहीं। गहमागहमी कई दिनों से है, लगातार मुख्यमंत्री से बातें हुई, उन्होंने कहा समय पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन हम अभी मौजूद हैं आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री के आवास के बाहर। आप देख सकते हैं हमारे पास जो जानकारी है कि उनके जो कई कार्यकर्ता हैं, कई समर्थक हैं, वो अंदर में हैं और आरसीपी सिंह अभी अंदर में हैं, और अंदर में कह सकते हैं कि वो लोग आपस में मुलाकात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस चीज़ को बैठक नहीं कहा जा सकता लेकिन मुलाकात कर रहे हैं। ये रामचंद्र प्रसाद सिंह का पटना का सरकारी आवास है, आप देख सकते हैं, और अभी अभी कह सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता गए भी हैं। तो ये जो मामला है, पूरा मामला देखिए, इसमें कई कह सकते हैं कि कई यहाँ आप देखते हैं कई गाड़ियाँ लगी हैं, लगभग दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, जिसमें जनता दल यू का जो पोस्टर लगा हुआ भी गाड़ी है और दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई यहाँ देख सकते हैं, और इसमें कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो जिसमें जनता दल यू का पोस्टर लगा हुआ है, जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, कई कह सकते हैं कि लोग हैं जो आरसीपी सिंह के आवास के अंदर हैं, और अभी आरसीपी सिंह से उनकी मुलाकात हो रही है, यह बैठक नहीं है लेकिन मुलाकात है, मुलाकात हो रही है। तो ये जो मामला है, पूरा मामला सवाल की है कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है, नीतीश कुमार आज राजगीर चले गए हैं, तो होगा तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल राजनीतिक हलकों में और मीडिया के हलकों में ये सवाल बहुत ही यक्ष प्रश्न बना हुआ है, देखना है क्या हो पाता है। फिलहाल इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन आरसीपी सिंह की आवाज़ पर गहमागहमी बढ़ी हुई है। सहयोगी राजेश के साथ मरगोबालम, कशिश न्यूज पटना।